तो दोस्तों मैं जब भी लाइव स्ट्रीमिंग करता हूं और आप लोगों के चैनल को चेक करता हूं तो सबके चैनल में यही प्रॉब्लम रहता है कि उसका शॉर्ट्स फीचर जो है वो ऊपर रहता है, जिसके कारण से उसका चैनल बहुत ही बेकार लगता है। अगर आप सब लॉन्ग वीडियो डालते हो या फिर कभी कभी लॉन्ग वीडियो डालते हो और शॉर्ट्स भी डालते हो तो अगर आपका शॉर्ट्स फीचर जो ऊपर रहेगा तो चैनल बहुत ही बेकार लगता है। शॉर्ट फीचर उसी का अच्छा लगता है जो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स ही अपलोड करते हैं, उसका चैनल जो अच्छा लगता है जो ऊपर रखता है। लेकिन अगर आप कभी कभी लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हो, कभी कभी शॉर्ट्स अपलोड करते हो, अगर उसके हिसाब से अगर आप शॉर्ट्स वाले फीचर को ऊपर रखोगे तो आपका चैनल बेकार लगेगा। इसी को ध्यान रखते हुए आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप शॉर्ट्स वाले फीचर को नीचे कैसे ले जा सकते हो। तो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम से चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। एड में जो आपसे कल सवाल जो पूछा था उसका आंसर सिर्फ यहाँ पर मिस्टर विशाल टेक सही जवाब दे पाए। वैसे तो जवाब तो कई सारे दिए हैं लेकिन उनका अंदाज जो है थोड़ा गलत था, उनको ज़्यादा कंफर्म नहीं था, और यहाँ पर सबसे बेस्ट जवाब दिया है मिस्टर विशाल टेक ने। तो ऐसे ही अगर आपको भी अपने चैनल का नाम मुझसे बुलवाना है तो इस वीडियो के लास्ट में भी आपको एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल को अगर आप सही जवाब दे देते तो मैं अगले वीडियो में आपको जो है ऐसे ही नाम लूंगा। तो दोस्तों शॉर्ट फीचर को नीचे कैसे करें वो बताने के लिए आ चुका मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपने शॉर्ट फीचर को नीचे करके रखा है तो हमारा चैनल जो है पूरा प्रोफेशनल लग रहा है, जरा सा भी बेकार देखने को नहीं मिल लगता है। अगर आप सब इसको नीचे नहीं करोगे तो आपका चैनल जो है बहुत ही बेकार लगेगा, इसीलिए आप इसको नीचे जरूर करेगा। नीचे करना कैसे है उसके लिए आपको सिंपली से अपना किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली से वहाँ पर अपने चैनल को डैशबोर्ड में आपको ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपने चैनल को डैशबोर्ड में ओपन करते ही आपको भी ओपन कर लेना है। तो दोस्तों हमने अपने चैनल को जो है क्रोम ब्राउज़र पर ओपन कर लिया, आपको भी ओपन करना है। उसके बाद आपको सिंपली से जो यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको कई सारे सेक्शंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हालांकि मैंने यहाँ पर अपने शॉर्ट्स वाले फीचर को नीचे रखा है, आपका ऊपर होगा। तो आपको करना क्या है यहाँ पर सिंपली से उसके लिए आपको यहाँ पर जितने सारे सेक्शन हैं उन सबको आपको एक एक करके यहाँ पर पहले रिमूव करना है। रिमूव सेक्शन, ऐसे ही इसको भी रिमूव सेक्शन, और ऐसे ही इसको भी रिमूव सेक्शन कर देना है, और ऐसे ही इसको भी रिमूव सेक्शन कर देना है, और यहाँ पर जो आपका शॉर्ट्स वाला फीचर होगा उसको भी इसी तरीके से रिमूव सेक्शन कर देना है। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पर ऐड सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपलोड लगाना चाहते हैं, पॉपुलर अपलोड लगाना चाहते हैं, जो भी लगाना चाहते हैं आप लगा दीजिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप लगा देता हूँ पॉपुलर अपलोड। उसके बाद यहाँ पर फिर से हम ऐड सेक्शन पर क्लिक करके और यहाँ पर हम जो है थोड़ा यहाँ पर सिंगल प्लेलिस्ट यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ पर कोई एक प्लेलिस्ट मैं चूज कर लेता हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल के यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर ऐड सेक्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ ऊपर में आपको जो जो सेक्शन लगाना है आपको वो सारे सेक्शन लगा लेना है। उसके बाद आपको शॉर्ट्स वाले नीचे रखने के लिए आपको सिंपली से सबसे लास्ट में आपको जो है शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पर दिखेगा, सबसे लास्ट में आपको शॉर्ट्स वीडियो आपको चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिश कर देना है। आप जैसे ही पब्लिश कर दोगे तो जिस नंबर के हिसाब से आपने लगाए हैं उसी नंबर के हिसाब से आपका कस्टमाइजेशन हो जाएगा, और आपके चैनल पर जो है उसी हिसाब से आपको दिखाई देगा। सबसे लास्ट में अगर आप यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो लगाते हो तो आपके सबसे लास्ट में यानी कि सबसे नीचे आपका शॉर्ट्स फीचर जो है यानी कि शॉर्ट्स फीचर जो है सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने शॉर्ट्स फीचर को नीचे ले जा सकते हो। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान अपना एंड लव यू ऑल। एंड आज का सवाल है कि कस्टम URL कितने दिनों में मिलता है।